और अब बात करते हैं धार की, जहां भरूडपुरा और कोठीदा के बीच कारम नदी पर बनाए जा रहे डैम से पानी का रिसाव बढ़ता ही जा रहा है। शुक्रवार सुबह भारी मात्रा में बांध के एक तरफ की मिट्टी बह गई है। मिट्टी से बनी डैम वॉल का बड़ा हिस्सा ढह गया। सीमेंट के स्ट्रक्चर के अलावा पानी को रोकने के लिए भी एक मिट्टी का बांध बनाया जाता है। यह रिसाव मिट्टी के बांध वाले हिस्से में सामने आया है। प्रशासन अब आसपास के घरों को खाली करवा रहा है। आगरा मुंबई नेशनल हाईवे 3 बंद कराया जाएगा। मरम्मत का काम भी तेजी से शुरू हो चुका है। अगले 10 घंटे महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं। धार जिले में 304.44 करोड़ की लागत से कारम नदी पर डैम बनाया जा रहा है। कारम नदी परियोजना के लिए 4 साल से काम चल रहा है। डैम पूरी तरह से बन जाने के बाद 52 गांवों में 10,500 हेक्टेयर जमीन सिंचित होगी। बांध में शुक्रवार दोपहर से ही रिसाव शुरू हो गया था। तब से ही प्रशासन की टीम मौके पर है। आसपास के 11 गांवों में मुनादी कराकर लोगों को अलर्ट किया गया है। आशंका है कि रिसाव अगर और बढ़ता है तो पानी गांवों तक पहुंच जाएगा, आसपास के रास्ते भी डूब जाएंगे। डैम का जल संग्रहण क्षेत्र 183.83 वर्ग किलोमीटर है। बांध की लंबाई 564 मीटर और चौड़ाई 6 मीटर है। घर का ताला लगा के ऊपर पानी पे चले जाए। बांध आपके बहुत नजदीक है, तत्काल पानी सबसे पहले आपके पास आएगा। गाँव वालों से निवेदन है कि सभी लोग अपने अपने घर छोड़ के और इधर मुझे पे आ जाए।